नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, करवा चौथ व्रत का त्योहार आने वाला है, तो आप सभी माता बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं इस वर्ष करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाएगा, यानी सही डेट और शुभ मुहूर्त के साथ साथ चांद के निकलने की टाइम के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। और इसी के साथ मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, हर साल करवा चौथ का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की डेट, तिथि, शुभ मुहूर्त और चांद के निकलने की टाइम के बारे में। दोस्तों, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले रखा जाता है और रात में चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही इस व्रत को तोड़ा जाता है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इस दिन क्या करें और क्या नहीं करें, इसके बारे में मैं बताऊंगी। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इसके अलावा कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ का व्रत विवाह के 16 या 17 सालों तक करना अनिवार्य माना जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सेहत की कामना करने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस साल चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 यानी रविवार के दिन सुबह 6:46 के बाद शुरू होती है और इसका समापन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर होगा। दोस्तों, करवा चौथ का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से लेकर सुबह 5:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:43 से लेकर 12:28 तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय शाम 1:59 से लेकर 2:45 तक रहेगा। दोस्तों, करवा चौथ पर चांद निकलने का समय 20 अक्टूबर को रात 7:54 पर बताया जा रहा है। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में चांद दिखने का समय इससे थोड़ा अलग हो सकता है। अपने शहर के हिसाब से चांद निकलने का सही समय एक बार जरूर देख लें। दोस्तों, करवा चौथ के दिन स्नान आदि के बाद करवा चौथ व्रत और चौथ माता की पूजा का संकल्प लेते हैं, फिर अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। पूजा के लिए 16 श्रृंगार करते हैं, फिर पूजा के मुहूर्त में चौथ माता या माँ गौरी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा के समय उनको गंगा जल, नैवेद्य, धूप दीप, अक्षत, रौली, फूल, पंचामृत यदि अर्पित करते हैं। दोनों को श्रद्धा पूर्वक फल और हलवा पूरी का भोग लगाते हैं। इसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ देते हैं और उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। करवा चौथ के व्रत पर करवा चौथ की कथा
अलग मान्यता होती है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा के बिना करवा चौथ का व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं करवा चौथ व्रत की कथा नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, तो आप लोग कथा को भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि कथा के बिना ये व्रत अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।